आज हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री का वो चैप्टर मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड समझने से पहले हमको ये समझना है जो पहले दुनिया कैसा था। आप लोग जरूर पढ़ चुके हो जूनियर क्लास में, जो पुराने जमाने में आज का जो यूरोप है, अमेरिका है, उस समय कुछ था लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। अफ्रीका को बोला जाता था डार्क कॉन्टिनेंट, समझ में आया। यूरोप के लोग जो है उन लोग को बोला जाता था ज़्यादातर बुकेनियर। बुकेनियर का मतलब क्या होता है, जो दरियाई डाकू, ठीक है। तो उस तरह से लोग आता तो कुछ मार्चेंट भी होता था, वो लोग व्यापार करता था। और उस समय हमारे एशिया का जो हमारे हिंदुस्तान, चाइना, साउथ ईस्ट, जो कुछ एशिया के कुछ देश, वो बहुत एडवांस था, विकसित था, रिच था। तो वही मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को नोट दिया हूँ कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसा है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। एज यू नो दैट टिल 15th सेंचुरी एशिया, स्पेशली इंडिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया वर कंसिडर्ड टू बी एनलाइटेड एंड रिच। एनलाइटेड का मतलब होता क्या, कल्चर अमीर था। बट विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आपको पढ़ चुके हो क्लास 9 में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके शुरू होते होते क्या हुआ, दिस सिचुएशन स्विंग टू यूरोप। ये सिचुएशन जो है, जो एशिया के पास था एनलाइटेंड कल्चर, ये बदल गया कहाँ, यूरोप के तरफ। इट इज ट्रू दैट मर्चेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ट्रेडेड विद द एशियन एंड फार ईस्ट कंट्रीज, सही बात है। जो अलग अलग उस समय सो कॉल्ड यूरोपियन देशों का बहुत सारे मर्चेंट्स व्यापारियाँ आता था हमारे हिंदुस्तान में, फार ईस्ट कंट्रीज में व्यापार करने के लिए, सीड, मसाला, ये सब के लिए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, लोग आता था तो आइडियाज से एक्सचेंज होता था, थॉट एंड कल्चर। बट दीज टू इवेंट्स, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन मेंशन कर रहा, मेड द पीपल ऑफ यूरोप मोर एडवांस, उसके चलते यूरोप के लोग और एडवांस हो गया। दे स्टार्टेड टू थिंक देमसेल्व्स मोर एडवांस, उन लोग अपने को सोचने लगा वो लोग एनलाइटेंड है। हाँ, दे स्टार्टेड टू कैप्चर डिफरेंट एरियाज फॉर देयर ओन सेल्फिश एंड, आप लोग दुनिया का अलग अलग इलाके को हाँ अपना कब्जा में करने लगा, हाँ जिसको बोला जाता है कॉलोनाइजेशन, हाँ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से शुरू हुआ था द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस तरह से शुरू हुआ था क्या, फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब है आप लोग लिखिएगा, आप बता रहे हैं आप लोगों को व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, प्लीज लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच पीपल अराउंड द वर्ल्ड, द प्रोसेस बाय व्हिच पीपल अराउंड द वर्ल्ड have become increasingly interconnected, वो ज़्यादा एक दूसरे का साथ संबंध करना शुरू किया through rapid communication and transport, जो communication के चलते यातायात व्यवस्था जो है, आने जाने का साधन भी बहुत एडवांस हो गया। हाँ, एक दूसरे दोस्त का लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा संपर्क होने लगा। Globalization involves the intensification of, globalization involves the intensification of economic, social, cultural, political,
and biological interchange worldwide, resulting on the one hand in a general acceleration of change. ये सारे जो चीजें हैं इसका जो एक्सचेंज होने लगा बहुत ये सब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा एक तरफ और दूसरी तरफ इन एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी ऑफ द लोकल एंड रीजनल लेवल्स और दूसरी तरफ लोग अपना जो है पहचान बरकरार रखने का प्रयास कर रहा है। ये है ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया? ये आप उनको पढ़ने पड़ेगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये तो फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ये नोट आप लोग जरूर ग्लोबलाइजेशन का नोट लिख लीजिएगा। अब बात यह है जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या था? देखो अगर हम लोग फराओ इजिप्ट का फराओ के बारे में पढ़ेंगे और द सीजर जूलियस सीजर के बारे में पढ़ेंगे we see the travel and communication were at a primitive stage 4 or 5 millennia ago. जाने आने का साधन था बहुत मैंने पुराने जमाने का लकड़ी का जहाज चलता था nothing moved from one place to another without muscle power. फिजिकल मतलब इंसान के ताकत पर ही कोई चीज इधर उधर चलता था either that of men or animals या इंसान या जानवर को ताकत से एंड ऑल्सो took a long time to do so. जाहिर है ये पूरा करने में बहुत समय लगता था। Thus, इस तरह से cities, states and continents were widely separated not only by distance but also by time. इसके चलते ये जो स्टेट बोलो सिटी बोलो एक दूसरे से बहुत दूरी था हो गया समय भी लगता था। क्यों? क्योंकि जाने आने का साधन कुछ इतना अच्छा नहीं था रोड नहीं था ठीक है जो घोड़े पर सवार करता था या ज्यादातर नाव में सफर करता था यानी वाटर वेज को इस्तेमाल करता था। तो क्या हुआ? टाइम एंड डिस्टेंस वर टू साइड्स ऑफ द सेम पॉइंट। देखो टाइम एंड डिस्टेंस दूरी है या समय। अगर दूरी ज्यादा है और ज्यादा समय लगेगा तो दूरी तय करने के लिए लोगों के मन में वो इच्छा नहीं होगा। अगर दूरी ज्यादा हो और समय कम लगे तो लोगों को इच्छा होगा वो जगह देखने का। तो यही चीज वहां पे मैंने उस समय नहीं था। ज्यादा दूरी ज्यादा समय था ठीक है। तो डिस्टेंस वॉज ए मेजर लिमिटेशन इन दोस पार्ट ऑफ देश। उस समय ये दूरी था बहुत बड़ा सा एक मुश्किल। देयर वर फ्यू रोड्स रास्ता नहीं था एंड इवन दोज वर बैड द टू द स्टैंडर्ड और था भी वो था आज के हिसाब से बहुत खराब हुआ करता था। सिंस ट्रैवल वाज अ कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग एंड रिस्की अंडरटेकिंग और ये चलना रिस्की था समय बहुत लगता था हाँ पैसा भी बहुत लगता था। मोस्ट पीपल प्रेफर्ड नॉट टू मूव वेरी फार फ्रॉम होम। उसी लोग ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पसंद नहीं करता था। तो इस तरह से मैंने हम थोड़ा बहुत आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन के बारे में पहला थोड़ा आइडिया दिया। तो ये पेपर मैंने लिखाया ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताया उसको नोट लिखिएगा और क्या कारण था जो टाइम एंड डिस्टेंस ये दो फैक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। थैंक यू वेरी मच। इसको लिखिएगा आगे चलते मैं आप लोगों को बताऊंगा।